अब हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्लोरोक्विनोलोन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स डीएनए गायरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। देखिए डीएनए गायरेज एंजाइम को टोपो आइसोमेरेज 2 भी कहते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि डीएनए गायरेज क्या होते हैं। देखिए डीएनए गायरेज एक एंजाइम्स होते हैं। डीएनए गायरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के लिए। हम अच्छे तरीके से जानते हैं किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उस बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होना जरूरी होता है। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए में क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड ये देखिए, एक स्ट्रैंड ये हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। तो जो डबल स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं, एक दूसरे के अराउंड क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं, ये डबल स्ट्रैंड एक दूसरे के चारों तरफ ट्विस्टेड होते हैं, बुढ़े होते हैं हम, ठीक है। और किसी भी बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये जो है डीएनए के डबल स्ट्रैंड है, इनको सीपरेट होना, इनको अलग होना जरूरी है। जब तक ये डबल स्ट्रैंड आपस में ट्विस्टेड रहेंगे, आपस में मुड़े रहेंगे कॉइल की तरह, ये बैक्टीरिया का रिप्लिकेशन नहीं हो पाएगा और बैक्टीरिया का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। जब बैक्टीरिया का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, रिप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्या बोलते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जीवित नहीं रह पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी। डीएनए गायरेज एंजाइम क्या कराता है, डीएनए की डबल स्ट्रैंड जो एक दूसरे के चारों तरफ जो ट्विस्टेड होते हैं, मुड़े होते हैं, उसको ये क्या करते हैं, डीएनए गायरेज क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं इस तरीके से। ये है डीएनए गायरेज एंजाइम, इसको कट किया, खोल दिया। डीएनए गायरेज एंजाइम यहां से क्या किया, कट किया, उसको क्या किया, सेपरेट कर दिया, खोल दिया। डीएनए गायरेज एंजाइम क्या किया, यहां से कट किया, सेपरेट किया, खोल दिया। समझ आ रहा मेरी बात, इस तरीके से ये क्या करता है, ये जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड बने हैं आपस में, डबल स्ट्रैंड है आपस में जो ट्विस्टेड है, वो ट्विस्टेड नहीं हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जब एक दूसरे से अलग होंगे तो रिप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब रिप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो बैक्टीरिया हेल्दी रहेगी, सर्वाइव करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, ग्रो करेगी, डिवाइड करेगी। अब हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्लोरोक्विनोलोन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स डीएनए गायरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। जब डीएनए गायरेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगी तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जीवित नहीं रह पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी।